तो दोस्तों कैसे हो, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों रियलमी नार्जो सीरीज के अंदर एक और नया स्मार्टफोन जो कि इंडिया मार्केट में लॉन्च किया गया है, और ये स्मार्टफोन रियलमी नार्जो 60X के नाम से आपको देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन जो कि पिछले महीना लॉन्च किया गया रियलमी 11X 5G स्मार्टफोन के जैसा ही हमें देखने को मिलता है, जिसके स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी हद तक हमें सेम देखने को मिलते हैं। हालांकि डिजाइन में थोड़ा सा इस स्मार्टफोन के रियल पैनल में हमें टेक्सचर डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा हमें डिफरेंट देखने को मिलता है, बाकी सारा कुछ इस स्मार्टफोन में हमें सेम देखने को मिलता है। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस स्मार्टफोन में हमें क्या कुछ फीचर देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। तो ये स्मार्टफोन जो कि इंडिया मार्केट में दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिसमें पहला वेरिएंट जो कि 4GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन है, इसकी प्राइस 12,999 रुपये है। और इस स्मार्टफोन की टॉप वेरिएंट जो कि आपको 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन है, और इसकी प्राइस 14,499 रुपये है। तो दोस्तों दोनों ही वेरिएंट आपको बजट सेगमेंट में देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर इस स्मार्टफोन की डिज़ाइन की बात करें दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन की रियल पैनल जो कि प्लास्टिक कवर का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये ग्लास फिनिशिंग के जैसा ही हमें देखने को मिलता है। रियल पैनल में बड़ा सा आपको कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है, बाकी पैनल में आपको टेक्सचर डिजाइन देखने को मिलता है, और जो कि स्टेलर ग्रीन कलर ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो लुक डिजाइन दोस्तों काफ़ी बढ़िया है बैक पैनल का। और यहाँ पे फ़ोन के फ्रेम भी जो कि मेटल का आपको देखने को मिलेगा, हालांकि ये भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलता है। फ़ोन की डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन इसकी मोटाई थोड़ा ज़्यादा है। इसकी मोटाई 7.89mm का है, और ये स्मार्टफोन जो कि आपको फ्लैट डिज़ाइन में देखने को मिलता है, जिसके कारण इस स्मार्टफोन को पकड़ना उतना आसान नहीं लगता है, उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। और फ़ोन के दाएं साइड में तो आपको वॉल्यूम की रोकस और पावर बटन देखने को मिलता है, बाएं साइड में आपको सिम कार्ड का स्लॉट देखने को जाएगा, नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ऑडियो जैक, माइक्रोफोन, स्पीकर और टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन की लुक का डिजाइन काफ़ी बढ़िया है, बजट सेगमेंट में काफ़ी अच्छा इस स्मार्टफोन में हमें डिजाइन देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर इस फोन की डिस्प्ले की बात करें, तो यहाँ पे 6.72 इंच का आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे 680 इसका पीक ब्राइटनेस दिया गया, तो पीक ब्राइटनेस भी काफ़ी बढ़िया है। बजट सेगमेंट में इसमें कलर एंड ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे सूरज की रोशनी में भी दोस्तों आपको टेक्स्ट पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कैमरा डिपार्टमेंट की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे डुअल रियल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का यहाँ पे पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिलता है, और फ्रंट में आपको 8MP का पंचल कटआउट वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए यह स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे डायमंडसिटी 6100 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 6nm फैब्रिकेशन पे बना है। यहाँ पे दोस्तों गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहेगा, फ्री फायर और पबजी जैसे गेम आप काफ़ी स्मूथली खेल सकते हैं। यहाँ पे 6GB तक आपको LPDDR4 इसका रैम सपोर्ट देखने को मिलता है, 128GB तक का यहाँ पे UFS 2.2 का आपको स्टोरेज मिलता है। यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड के जरिए आप 2TB तक इस स्मार्टफोन के एक्स्ट्रा मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे 100% 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रियलमी UI 4.0 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। एक साथ आप कई एप्लीकेशन को ओपन करके वर्क कर सकते हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशन का यूज करते हुए दोस्तों आप कॉलिंग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपको लैग प्रॉब्लम इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा। बैटरी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जिसमें आपको 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप भी काफ़ी बढ़िया आपको मिलती है। और कंपनी का कहना है कि यहाँ पे 75 से 80 मिनट में ये बैटरी को फुल चार्ज कर सकती है। तो गाइस आपको ये स्मार्टफोन कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ, तो आज के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।